अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा के पहले मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में सिंधिया ने बताया कि इंदौर शहर और मालवा से उनका पुराना नाता है। साथ ही मंत्री सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों संसद में हुए हंगामे को लेकर विपक्ष की निंदा की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विमान सेवा के विस्तार को लेकर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 67 नई फ्लाइट शुरू की जा रही हैं। साथ ही इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में विमानतल को अत्याधुनिक करने को अपनी प्राथमिकता बताई। हमें भारत का परीक्षण दोहराना है। कई क्षेत्रों में बहुत सारा कार्य हमने किया है। दूसरी कोई भी सरकार का ये हुई है जिसने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देना करोड़ दिया है। कोई भी सरकार दूसरी न हो जिसने विज्ञान के कारण पर दो देशी वैक्सीन उपलब्ध कराए, जिसने 55 करोड़ लोगों को पहला शॉट दिया है। ऐसे कई कीर्तिमान हैं जो हमने स्थापित किए हैं। उज्ज्वला योजना और दुर्घटनाओं में गैस सिलेंडर के साथ हॉटलाइन भी किया जा रहा है। महिलाओं हम महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को देश के मुख्यधारा के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री मुरपट प्रतिदिन इंदौर से होगी। पहले किस्त में हैदराबाद, गोवा और रायपुर को मैंने इंदौर से जोड़ने की कोशिश की थी और आने वाले एक हफ्ते के अंदर जबलपुर और ग्वालियर को भी हम इंदौर से जोड़ने जा रहे हैं। वैसे ही भोपाल में 132 फ्लाइट मुंबई से गई और बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, प्रयागराज और पुणे के साथ भोपाल को जोड़ा गया। सबसे ज्यादा वृद्धि जबलपुर में हम लेके आए।